हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज जायका। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है फ्रूट कस्टर्ड, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। फ्रूट कस्टर्ड बनने में बहुत इजी होता है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। ये नॉर्मल मिल्क है जो हम घर में यूज़ लेते हैं। इसका एक बॉयल आने तक हमें वेट करना होगा। दूध में बॉयल आने के बाद में हमें एक बाउल में सेपरेट ठंडा मिल्क लेना है और 2 चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। इस तरीके से इसे मिला के जो हमारा बॉयल दूध है हम उसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है फ्रेंड्स। इसमें 1/2 चम्मच में इलायची पाउडर ऐड करूँगी। याद रखें फ्रेंड्स, कस्टर्ड पाउडर जब आप डाल देंगे तो उसे चलाते रहें और लो फ्लेम पर रखें, नहीं तो वो नीचे लग जाएगा। और एक बात का ये हमेशा याद रखें, आप कभी भी गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर को ऐड ना करें, नहीं तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको खाना पसंद हो, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम मिला लेंगे अच्छे से, लो फ्लेम पे ही इसे पकने देंगे। 5 से 7 मिनट में ये थिक होने लगेगा, ये देखिए। और थिक होने के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं इसमें कस्टर्ड में। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये देखिए, ये थिक होने लगा है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास क्रश रखा है मैंगो का, जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा एप्पल। मैंगो का सीज़न है, ऑब्वियसली मैंगो तो लेना ही है। और अब मैं थोड़े से बनाना यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो मेरे पास घर में अवेलेबल फ्रूट्स थे मैंने वही यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप चाहें तो ग्रेप्स या फिर अनार, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रश लेना बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, मेरे पास रखा है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें, इसलिए। ये देखिए, अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। बहुत ही यमी सा कस्टर्ड बनके रेडी हुआ है फ्रेंड्स। मेरे को बहुत पसंद है कस्टर्ड, रियली में। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। आप लोग भी कस्टर्ड तो बनाते ही होंगे, पर मैं आपको एक ईजी मैथड से यहाँ पर कस्टर्ड बनाने की रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।